हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो मोस्टली लोगों की ये इशू रहता है कि एयर प्रेशर की वजह से जो टायर्स हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं या फिर एयर प्रेशर कम होने की वजह से माइलेज पे इशू आता है। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो है TPMS, और इसके लिए मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा स्काई शॉप को, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा। ये कितने का है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसके लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये TPMS जो है ये बेसिकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें ऑलरेडी आपने कई सारे वीडियोज़ इसके देख रखे होंगे और इसमें आपको क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। इसके सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, एयर लीक अलार्म, लो प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म, हाई टेम्परेचर अलार्म और सोलर चार्जिंग। बेसिकली अगर आपकी टायर से किसी भी तरह से एयर लीक हो रही है या लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है या फिर टेम्परेचर जो है वो टायर्स का इंक्रीज़ कर गया है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा देर तक कार जब चलाते हैं तो गर्मियों में जनरली टायर्स का जो टेम्परेचर है वो रेज़ कर जाता है, तो उसको ये सारे तरीके के अलार्म्स ये आपको देता है। प्लस ये सोलर चार्जिंग से चलता है, यानी कि आपको हर बार इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें माइक्रो USB पोर्ट आता है और आपको वायर भी साथ में एक माइक्रो USB मिलती है, लेकिन ये सोलर से चलता है। इसमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको ये एक डबल टिप मिल जाती है अगर आप इसको डैशबोर्ड पे लगाना चाहते हैं। कुछ मैनुअल्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। ये एंटी थेफ्ट आपको स्क्रूज़ मिल जाएंगे, जो आपको चार जो सेंसर्स मिलते हैं, रियर लेफ्ट, रियर राइट, फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट। ये चार सेंसर्स आपको चार टायर्स के लिए मिल जाते हैं। प्लस जो मेन डिवाइस है, मेन यूनिट है, उस पर अगर आप देखें तो इस तरह से आपको ये डिवाइस है जिसमें आपका फ्रंट पे जो है ये इस तरह का डिस्प्ले आता है। ठीक है, अभी इसकी बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट 75% दिखा रहा है और ये काफ़ी जो इसकी बैटरी है वो चल जाती है। अगर बैटरी ख़त्म भी होती है तो ये अपने आप को खुद ही सोलर से चार्ज कर देता है। अगर आप इसके फ्रंट पे देखेंगे तो सोलर पैनल एक छोटा सा लगा रखा है जिससे कि ये चार्ज हो जाता है। आप इसको डैशबोर्ड पे ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़े और ये खुद ही चार्ज होता रहे। इनकेस अगर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या बहुत दिन तक आपकी गाड़ी जो है वो ये चार्ज नहीं कर पाया है, आपकी ऐसी जगह खड़ी है जहाँ सन रेज नहीं आ रही हैं और ये चार्ज नहीं कर पाया है, तो आपको साइड में एक माइक्रो USB पोर्ट भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी हालांकि जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। सबसे पहले आपको इसको ऑन कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि चारों में आपको जीरो दिखा रहा है बिकॉज सेंसर्स जो है अभी हमने टायर में नहीं लगाए हैं, तो हम इसको टायर्स में लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या यूनिट आपको दिखाता है। तो नोज़ल के ऊपर कई बार कैप लगी रहती है, तो अभी इस पर कैप नहीं लगी हुई है, तो आपको सिंपली क्या है, फ्रंट राइट जो आपका FR है उसको यहाँ पर रख के नॉब को टाइट कर देना है। थोड़ी सी जब आप लगाएंगे तो हल्की सी हवा जो है वो निकलेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, थोड़ी सी हवा निकलेगी और आपको टाइट कर देना है। टाइट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको टाइट करना है। तो अब जो हमने ये एंटी थेफ्ट जो स्क्रूज़ देखे थे, ये सबसे पहले आपको इसको लगाने से पहले ये लगाने हैं। और ये जो आपकी की है ये आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। इसका नेगेटिव भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि क्या नेगेटिव है इसका। और इसको लगाने के बाद आपको ये नोज़ल के ऊपर से सेंसर लगा देना है और फिर इस की से इसको रिवर्स घुमाते हुए टाइट कर देना है। इससे क्या फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जब तक इस की से खोलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक ये ओपन नहीं होगा और कोई भी आपका सेंसर चुरा नहीं पाएगा। बट क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बॉदरेशन है तो अभी हम ये वाली जो स्क्रूज़ हैं वो नहीं लगा रहे हैं, ये अपने आप पे डिपेंड करता है। आइए अब दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो हमने चारों टायर्स में उस सेंसर्स को लगा दिया, जैसे आप देख सकते हैं चारों टायर्स में वो लग चुका है। अब अगर हम अपना TPMS को देखें तो हमें उसमें जो एयर प्रेशर है वो दिखा रहा होगा। चारों टायर में 31 दिखा रहा है इस टाइम, 31 दिखा रहा है क्योंकि चारों टायर्स में लग चुका है। और साथ में जो आपको दिख रहा है वो है टायर का टेम्परेचर। तो इस टाइम जो चारों का टेम्परेचर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एयर प्रेशर भी सेम है, जबकि ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन है और आप जब इसमें हवा भरवाते हैं तो इसकी जो स्पेसिफाई PSI वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भरवाते हैं, विच इज़ 30 to 32 के बीच में रहनी चाहिए। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, 30 से 32 के बीच में है, यानी कि चारों टायर्स में हवा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही किसी टायर में हवा कम होगी, जो कि मैं अभी प्रैक्टिकली आपको नहीं करके दिखा पाऊँगा, तो वो उस पर्टिकुलर टायर का जो डिजिट है वो ब्लिंक करने लगेगा और इसमें से एक बीप साउंड आने लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन से टायर में हवा कम है या लीक हो रही है या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये 3-4 तरीके से आपको जो है टायर प्रेशर अगर हाई भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है गर्मियों में टायर प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, वो भी टायर्स के लिए ठीक नहीं है। तो जनरली टायर प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो वो माइलेज पे अफेक्ट करता है, वो टायर्स की लाइफ पे अफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है,
इसका बेस्ट बाय लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शॉर्ट आउट मैं देना चाहूँगा अगेन से स्काई शॉप को, जिन्होंने ये डिवाइस हमें भेजी है। और वहाँ से जा आप नीचे बेस्ट बाय लिंक से जाके डिस्क्रिप्शन से उसका बाय कर सकते हैं। जो प्राइस है वो ऊपर नीचे 100-200 होता रहता है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो मुझे लिंक यूनिट जो भेजा गया उन्होंने भेजा है, तो उसके उस टाइम पे प्राइस जो था वो 2800 के आसपास था। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं और एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जब भी आप अभी एक बॉदरेशन आपकी बढ़ गई कि जब भी आप हवा भरवाएंगे तो आपको गाड़ी से उतर के ये देखना पड़ेगा कि उसने वापस वो सेंसर ठीक से लगाए हैं कि नहीं लगाए। अगर आपने एंटी थेफ्ट स्क्रूज़ लगा दिए हैं तो आपको आपका 5 मिनट हर बार लगने वाले हैं कि आपको हर बार उस स्क्रू से पहले ओपन करना पड़ेगा, हवा भरवानी पड़ेगी और वापस उस स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। बिकॉज पेट्रोल पंप पे या जहाँ पे भी आप हवा भरवाते हैं वो इतना टाइम तो नहीं देगा कि आप वो आपको स्क्रू जो है वो अनस्क्रू करके और टाइट करके दे। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एयर पंप है आपकी गाड़ी में तो कोशिश कीजिए कि खुद ही भर लीजिए, सो दैट कि आपको पेट्रोल पंप जाके ये सेंसर्स घूमने का जो है वो इशू ना रहे। एक चीज़ और कि अगर पर्टिकुलर कोई सेंसर कहीं गिर जाता है, चोरी तो कोई क्या ही करेगा, अगर कोई गिर जाता है या कहीं छूट जाता है तो आप वापस से जो उनके सेलर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको स्पेसिफिक टायर का जो सेंसर है वो भी अलग से कुरियर कर देते हैं, अलग से भिजवा देते हैं। ये डबल टेप हमने इस पर लगा दिया, अब इसको हम एक लोकेशन देख लेते हैं सीधा उल्टा, ठीक है इसको हम यहाँ लगा देते हैं भाई। तो हमने डबल टेप लगा के इस लोकेशन पर इसको रख दिया है सो दैट कि वहाँ पर उसको सन रेज भी मिलती रहे और वो चार्ज आराम से हो सके। और अगर इनके समय कभी माइक्रो यूएसबी लगानी भी हो तो आराम से यहाँ साइड से लग जाएगी। तो ये है इसकी इंस्टॉलेशन जो कि बहुत ही सिंपल है। चार स्क्रू हैं बेसिकली जो आपको कैप हटा के अपने टायर्स में टाइट कर लेने हैं और एक जो मेन यूनिट है जो हेड यूनिट है वो आपको इंटीरियर में लगा देनी है जहाँ आपकी लोकेशन आपको ठीक लगे, और वहाँ पर वो आपकी चारों गाड़ी के प्रेशर, टायर प्रेशर और टेम्परेचर बताता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस यूनिट को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।